गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने वॉइस को कंटिन्यू करते हुए एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे हुए सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के फार्मूले क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, सिंपल सेंटेंस का क्या फार्मूला है एक्टिव वॉइस में लिखे हुए का। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड आएगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपके साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। पहले बच्चों, आप ये पूछोगे कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताइए। पहले बच्चों, सबसे पहले हम ये देखिए कि हमने कहा पास्ट, पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म, फिर मैंने कहा परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म, यानी इस सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म भी लगानी है और थर्ड फॉर्म भी लगानी है। आप पूछोगे कि सेकंड फॉर्म कहां है सर, तो सेकंड फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यहां पर जो हैड है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव होती है और सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है और हैड के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आपके परफेक्ट को बताएगा। तो परफेक्ट का मतलब है कार्य पूर्ण होना, यह टेंस बताता है कि पास्ट टेंस में कोई पहले से ही काम पूरा हो गया था, यानी हो चुका था। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मेरे स्टेशन पर जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी एक काम पहले हुआ, कौन सा, मरीज का मरना और ट्रेन का छूटना, और एक काम बाद में हुआ, डॉक्टर का आने का और मेरा स्टेशन पर पहुंचने का। तो प्यारे बच्चों, जो बाद में काम होता है वहां पर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं और जो पहले से ही काम पूरा हो गया है वहां पर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर जितने भी आपके सामने सेंटेंस लिखे जा रहे हैं वो चुका था, चुकी थी और चुके थे की बात को एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझाएंगे, उससे पहले हम आपको ये सेंटेंस बनाने के फॉर्मूले बताते हैं। सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में सिंपल होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगा देते हैं, उसके बाद आपको बी लगाना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बना लिखना ही है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये बी की फॉर्म है बेटा, जब हम तक बी की फॉर्म के साथ जब तक हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे पैसिव वॉइस ट्रांसफर नहीं हो सकती। इससे पहले हम ये बात पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड होगी, उसके बाद नोट लगेगा और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाते हुए सेंटेंस को फ्रेम करना है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेम चीज को फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे और जैसा हमारा एक्टिव वॉइस है उसी प्रकार हमारा पैसिव वॉइस भी होना चाहिए, इसलिए नोट हम एज इट इज नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में भी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए, उसके बाद बीन लगाइए और आपको थर्ड फॉर्म जो एज इट इज दी गई है वहां से आपको पैसिव वॉइस में लिखनी है और उसके बाद आप बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। उसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो इसके बाद लिखनी थी वो हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, और उसके बाद हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन का प्रयोग करते हैं, जो थर्ड फॉर्म है इसकी बी की। तो हम इस तरह रिवाइज कर सकते हैं, बी वाज बीन, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस की है वही हम पैसिव वॉइस में लिख देते हैं, और बाय लगाते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बात को धीरे धीरे समझिए बेटा, क्योंकि आप धीरे धीरे जब बात को समझेंगे तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव के मिक्स सेंटेंस की। जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, और उसके बाद जो हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो इंटरोगेटिव ही होती है, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हुए सेंटेंस को हम पूरा कर देते हैं। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक निश्चित फॉर्मूले को फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड पहले लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव है, और हम दोनों को मिक्स करने के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बीन, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हुए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से ही हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको ये सारे एग्जांपल तैयार करने हैं, समझने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। समस्या आने पर वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये इजीली समझ में आएगा, और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे नंबर पर फोन करके मुझे इस कंसेप्ट को पूछ सकते हैं। हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, आई हैड रिटन ए लेटर, इसमें आप साफ देख रहे हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी किसको फॉलो कर रहे हैं, हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार से पहले बच्चों आपको ये सारे एग्जांपल अपने आप करके देखने हैं, और उसके बाद मैंने आपके लिए 10 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, वो प्रैक्टिस के सेंटेंस भी आपको नोटबुक में लिख करके मुझे सेंड करने हैं। कई बच्चे होमवर्क करते हैं और मैक्सिमम बच्चे होमवर्क करते नहीं है। प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए ही है, आपके फायदे के लिए है, और जब तक स्कूल नहीं खुलता है तब तक ये पढ़ाई ऐसे ही चलने वाली है, इसलिए मन में ये बात धारण कर लें कि अब हमें बदलते हुए परिवेश के साथ बदलना पड़ेगा, और हमें जो सुविधा मिल रही है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।